दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय मूव स्ट्रॉन्ग। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। मोच ना घुटनों में हो ना रिश्तों में, स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। भविष्यवाणी यानी जो कल अभी आया नहीं उसे देख लेना। जैसा कहते हैं कि कभी देवकी को रथ में बिठा रहे कंस को सुनाई दी थी, तो जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। भविष्यवाणी जैसे जॉन ब्रूनर की 1968 में आई किताब स्टैंड ऑन ज़ंजीबार, जिसमें साल 2010 का भविष्य बांचा गया था, लिखा था कि तब दुनिया ग्लोबल आतंकवाद से जूझेगी, यूरोपियन देश यूनियन बना चुके होंगे और अमेरिका में एक राष्ट्रपति होगा जिसका नाम होगा मिस्टर ओबेमी। मगर ये तो पौराणिक कथाएं और तुक्के से सही हो जाने वाले साहित्य की मिसाल हुई। क्या इससे इतर आने वाले कल की सटीक भविष्यवाणी मुमकिन है? क्या ये बताया जा सकता है कि दुनिया को चपेट में लेने वाली अगली महामारी कौन सी होगी, कैसी होगी, कहाँ से आएगी? क्या हम ऐसी किसी महामारी से निपटने की एडवांस तैयारी कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब है हाँ। साइंटिस्ट सालों पहले कोरोना की भविष्यवाणी कर चुके थे, मगर दुनिया ने उन चेतावनियों को टाल दिया। हम बेशक बर्बादी रोकने का एक बड़ा मौका चूक गए। अब भी दुनिया पर कोरोना जैसी कई नई वैश्विक महामारियों का खतरा मंडरा रहा है। इन खतरों की एडवांस में तैयारी का रास्ता वर्तमान से जाता है। इस रास्ते का सबसे अहम पड़ाव है चीन। दुनिया के लिए वुहान से शुरू हुए कोरोना का सच जानना बेहद लाजमी है। क्या, कब, कैसे, कहाँ जैसे कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। ये जवाब चीन की मदद के बिना नहीं मिलेंगे, मगर क्या चीन ये जवाब खोजने में मदद कर रहा है? जवाब है नहीं। वो 1 साल तक कोरोना की जांच टालता रहा। बहुत टाल मटोल के बाद उसने जांच शुरू करवाई, मगर दिखावटी। वो अब भी जानकारियां छुपा रहा है। एक बड़ा ज़रूरी डेटा है जिसे वो दबाए बैठा है। इस डेटा के बिना कोरोना की शुरुआत की पहेली नहीं सुलझ पाएगी। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भविष्यवाणी से शुरुआत की थी तो चलिए आपको एक भविष्यवाणी की ही कहानी सुनाते हैं। साल था 2015। इस बरस से WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सालाना लिस्ट निकालनी शुरू की। इस लिस्ट में 10 बीमारियों की सूची होती थी, ऐसी बीमारियां जिनमें वैश्विक महामारी बनने का मादा है। इस लिस्ट में इबोला, जिका, सार्स, मार्बर्ग, मंकी पॉक्स जैसी कई बीमारियों का जिक्र होता था। 2018 के साल इस लिस्ट में एक मिस्टीरियस बीमारी की एंट्री हुई। इसका नाम था डिजीज एक्स। क्या था ये डिजीज एक्स? ये भविष्य में आने वाली एक बीमारी थी, ऐसी बीमारी जिससे दुनिया अनजान थी, जिसे लोगों ने पहले ना कभी देखा था ना सुना था। वो बीमारी कैसी होगी, क्या होगी, किससे फैलेगी, कोई नहीं जानता, मगर ये पक्का था कि एक ऐसी बीमारी आएगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इस डिजीज एक्स के बारे में आगाह करते हुए WHO ने लिखा था, ये बीमारी किसी वक्त हमला कर सकती है, ये किसी मौजूदा बीमारी का नया संस्करण हो सकता है, या मुमकिन है ये HIV की तरह जानवरों से इंसानों में फैलने वाली कोई अज्ञात बीमारी हो। इसका स्वरूप चाहे कि जैसा भी हो, इसका सोर्स चाहे जो भी हो, मगर ये डिजीज एक्स एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय महामारी का रूप लेने वाला है। साइंटिस्ट के मुताबिक कोरोना भी एक ऐसी ही डिजीज एक्स है। WHO समेत कई हेल्थ एक्सपर्ट सालों पहले इसकी भविष्यवाणी कर चुके थे, बार बार आगाह करते रहे कि इस अज्ञात महामारी से निपटने की तैयारी करनी होगी। ये भविष्यवाणियां तुक्केबाजी नहीं थी, ये चेतावनी विस्तृत शोध और मेडिकल साइंस की गणनाओं पर आधारित थी, मगर इनका कोई फायदा नहीं हुआ। कोरोना बिल्कुल धप्पा देकर आया और हमें चारों खाने चित कर गया। लेकिन क्या कोरोना इस तरह की आखिरी वैश्विक महामारी है? नहीं, शायद ऐसी अगली महामारी रास्ते में है। जानकारों के मुताबिक शायद कई अज्ञात संक्रामक बीमारियां ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही हैं या इंसानों में जंप होने की कगार में है। हो सकता है ये चीन की किसी अंधेरी गुफा की छत पर लटके चमगादड़ों में हमारा इंतजार कर रही हो, या अमेज़न रिवर फॉरेस्ट के किसी घने हिस्से में रह रहे किसी जंगली जीव की प्रजाति के भीतर पनप रही हो, या ये लोकेशन पश्चिमी अफ्रीका का कोई जंगल भी हो सकता है जहां कोई शिकारी जंगल में पड़ी किसी वन्यजीव की लाश देखे और उससे मांस खुरचने के चक्कर में अनजाने ही किसी नए जानलेवा विषाणु को साथ ले आए। आप कहेंगे हम नाहक डरा रहे हैं, आपको पैनिक फैला रहे हैं। हम कहेंगे नहीं, ये विशुद्ध साइंस है। कैसे? बताते हैं। ब्रह्मांड में जितने तारे नहीं उससे ज़्यादा वायरस हैं। तकरीबन 10 नॉनिलियन विषाणु तो हमारे इसी धरती पर हैं। 10 नॉनिलियन माने 10 के आगे 30 शून्य लगा दीजिए। अकेले स्तनपाई जीव और पक्षियों के बीच ही तकरीबन 17 लाख विषाणुओं की प्रजातियां रहती हैं। क्या इन सारे विषाणुओं से खतरा है हमें? सारे विषाणु इंसानी कोशिकाओं में घर नहीं बना पाते। किसी खास प्रजाति के जीवों में पल रहे विषाणु को किसी दूसरी प्रजाति में छलांग लगाने के लिए कई दीवारें लांघनी होती हैं। मसलन उसका होस्ट जीव किसी और प्रजाति के जीव के संपर्क में आए, ये दूसरा जीव ऐसा हो जिसकी कोशिकाओं की संरचना उस विषाणु के लिए मुफीद हो। ऐसा हुआ तो विषाणु उस नए जीव को संक्रमित करेगा। इसको कहते हैं स्पिल ओवर। जब विषाणु अपने नए मेजबान में घर बना लेगा तो उसे विस्तार के लिए उस नई प्रजाति के और भी जीव चाहिए होंगे। फिर उस संक्रमित जीव को इंसानों के संपर्क में आना होगा। इस एनकाउंटर के रास्ते विषाणु इंसान के भीतर पहुंचेगा, उसकी कोशिकाओं में सेंध लगाएगा, उसकी मॉलिक्यूलर मशीनरी को हाईजैक करके अपनी कॉपीज बनाएगा। सारे वायरस ये बाधा दौड़ पार नहीं कर पाते। विषाणुओं की एक बड़ी संख्या तो हमारी कोशिकाएं ही उनको गेट आउट कह देती है। वो उस वायरस को हमारे शरीर में पनाह ही नहीं देती। मगर कई वायरस सेंधमारी में कामयाब भी रहते हैं। अंदाजन 6 से 8 लाख विषाणु ऐसे हैं जो इंसानों में जंप करके संक्रमण फैलाने का मादा रखते हैं। और इनमें से हम कितने विषाणुओं की शिनाख्त कर पाए हैं? तकरीबन 200, माने भूसे के ढेर में राई के दाने के बराबर। इसलिए ज़रूरी है कि हम भविष्य के ऐसे किसी एनकाउंटर की तैयारी करें। ज़रूरत है कि हम धरती पर मौजूद वन्यजीव की विस्तृत रिसर्च करें, पता लगाएं कि उनमें से किसके साथ हुआ एनकाउंटर मानव जाति को नई महामारी दे सकता है, किन जीवों के भीतर मौजूद वायरस इंसानों में जंप मार सकता है। हमने समझ लिया कि रिसर्च करनी होगी, मगर इस रिसर्च के लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें मौजूदा महामारियों की डिटेल्ड चार्टशीट बनानी होगी। आपने कोई चार्टशीट देखी है, उसमें अपराध की पूरी टाइमलाइन होती है। हत्यारा फला दिन फला बजे फला जगह था, उसने फला तरीके फला हथियार से क्राइम किया। ऐसे ही हमको कोरोना की टाइमलाइन बनानी होगी। इसका होस्ट जीव कौन था, उसका इंसानों से कैसे एनकाउंटर हुआ, क्या उसने अपने होस्ट एनिमल से सीधे ही इंसानों में जंप किया या फिर इस श्रृंखला में कोई तीसरा जीव भी शामिल था। वायरस के वुहान वेट मार्केट पहुंचने का रूट क्या था? मतलब कोरोना की शुरुआत से जुड़े तमाम क्या क्यों कैसे के जवाब हमें खोजने होंगे। और इन्हीं जवाबों के संदर्भ में ज़रूरत है चीन की। क्यों? क्योंकि कोरोना की शुरुआत उसके यहाँ हुई है। इस वायरस का संभावित सोर्स भी उसी के यहाँ है। महामारी का शुरुआती डेटा भी उसी के पास है। पिछले 1 साल से दुनिया ये डेटा तलाश रही है। चीन से कई बार आग्रह किया गया कि वो स्वतंत्र वैज्ञानिकों को अपने यहाँ आने दे, उन्हें निष्पक्ष जाँच करने दे ताकि कोरोना की शुरुआत को बेहतर समझा जा सके। लंबी नानुकुर के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में चीन ने आखिरकार इस जांच पर हामी भरी। उसने जनवरी 2021 में WHO की एक टीम को अपने यहाँ आने दिया। 14 वैज्ञानिकों की ये टीम 27 दिनों तक चीन में रही। उसने वुहान शहर का दौरा किया। यहाँ स्थित प्रयोगशाला, अस्पताल और जिंदा वन्य जीवों की खरीद फरोख्त वाले बाजारों का मुआयना किया। इस बहुप्रतीक्षित जाँच का शुरुआती नतीजा आया 9 फरवरी को। इस रोज WHO एक्सपर्ट्स ने चीनी अधिकारियों के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। करीब 3 घंटे तक चली ये कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या बताया गया? कुछ भी ठोस नहीं, कुछ भी नया नहीं। उल्टा WHO के विशेषज्ञों ने चीन की तारीफों के पुल बांधे, कोरोना से जुड़े संदिग्ध चाइनीज संस्करण का एंडोर्समेंट किया। इसके सहारे चीन ने शुरू किया प्रोपेगेंडा। कहा, वाइल्ड लाइफ से संक्रमण शुरू होने की बात छोड़िए, मुमकिन है किसी पैकेट बंद मीट के रास्ते ये विषाणु इंसानों में पहुंचा हो। यहाँ तक कि WHO टीम ने चीन के उन दावों को भी हवा दी जिसके मुताबिक कोरोना की शुरुआत चीन से बाहर बताई जाती है। ये बेबुनियाद दावा कहता है कि कोरोना की शुरुआत चीन से बाहर हुई। दिसंबर 2019 में वुहान के भीतर सामने आने से महीनों पहले ये चीन के बाहर फैलना शुरू हो चुका था। तो ये हुआ WHO टीम द्वारा चीन के भीतर चीनी अधिकारियों के साथ बैठकर दिया गया बयान। अब जानिए कि इस टीम ने चीन से लौटने के बाद क्या कहा। ये बात है 12 फरवरी की। इस रोज WHO की टीम में शामिल कुछ स्वतंत्र जांचकर्ताओं का बयान आया। उन्होंने कहा कि चीन ने तो हमें जरूरी डेटा दिया ही नहीं। जांचकर्ता बोले कि चीन ने हमें खुलकर जांच नहीं करने दी, शुरुआती मरीजों के रिकॉर्ड देने से ही इनकार कर दिया। और क्या कहा WHO टीम के सदस्यों ने? उनके मुताबिक जांच के दौरान जब वो सवाल करते थे तो चाइनीज साइंटिस्ट और अधिकारी चिढ़ जाते थे, डेटा मांगने पर बहानेबाजी करते थे। कई दफ़ा तो मामला इतना गर्मा गया कि WHO टीम की चाइनीज वैज्ञानिकों से बकझक और चिल्लम चिल्ली भी हुई। कई टीम मेंबर्स के मुताबिक चाइनीज अधिकारियों ने WHO टीम पर चीनी सरकार के दावे दोहराने का जोर बनाया। कहा कि WHO टीम वायरस के सोर्स पर वही कहे जो चीन चाहता है। यहां तक कि टीम पर चीन से बाहर महामारी की शुरुआत वाले संदिग्ध दावे को एंडोर्स करने का भी दबाव बनाया गया। WHO की इस टीम में एक मेंबर थी डॉक्टर थिया कोल्सेन फिशर। डॉक्टर फिशर डेनमार्क की महामारी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, ये पूरी जांच बेहद जियोपॉलिटिकल थी। सबको पता है कि चीन पर जांच में सहयोग करने, पारदर्शिता बरतने का बहुत दबाव है। अगर सही जानकारी सामने आई तो चीन पर उंगलियां उठेंगी। अब आपको समझ आया कि 9 फरवरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO टीम चीन की तरफदारी क्यों कर रही थी। इसलिए कि वो चीन के भीतर थे, चीन उन पर झूठ बोलने का दबाव बना रहा था। WHO टीम ने इस प्रेशर के आगे हथियार डाल दिया। चीन कोरोना के शुरुआती मरीजों से जुड़ा डेटा दुनिया को नहीं दे रहा, इससे नुकसान क्या होगा? वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना को डिकोड करने के लिए ये डेटा बहुत ज़रूरी है। महामारी के शुरुआती दिनों का ब्यौरा ना मिला तो कई ज़रूरी क्लू नहीं मिलेंगे। इन क्लूज़ के बिना भविष्य में होने वाली खतरनाक महामारियों से बचाव की एडवांस तैयारी मुश्किल हो जाएगी। आपको याद है WHO द्वारा 2018 में दी गई डिजीज़ X की चेतावनी। इस बरस भी WHO ने ऐसी ही एक डिजीज़ X की वार्निंग दी है। इस दुनिया की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाली 10 बीमारियों की लिस्ट में रखा है। क्या होगी ये अगली डिजीज़ X? फिलहाल इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। हम नहीं जानते कि ये कब, कैसे, कहाँ स्ट्राइक करेगा, मगर ये आएगा, ये करीब करीब पक्की बात है। एक वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर जॉन मुएम्बे ताम्फुम। 1976 में जिन साइंटिस्ट ने इबोला को खोजा था उनमें प्रोफेसर ताम्फुम भी शामिल थे। पिछले दिनों उन्होंने एक चेतावनी दी। कहा, एक नई डिजीज़ X आने ही वाली है, हम अभी इसे अनजान हैं, ऐसे ही जैसे कभी HIV, इबोला, सार्स और कोविड-19 से अनजान हुआ करते थे। क्या है इस बढ़े हुए खतरे की वजह? इसकी एक बड़ी वजह तेज़ी से कटते जंगल, जंगली जीवों का तेज़ी से खात्मा हो रहा है। फूड चेन में असंतुलन के चलते बड़े जानवर खत्म हो रहे हैं और जंगली चूहे, चमगादड़ और बाकी इंसेक्ट्स की संख्या बढ़ रही है। इनमें कई जीव बेहद घातक विषाणुओं के कैरियर हैं। अगर वाइल्ड लाइफ सुरक्षित होता, फूड चेन में बैलेंस होता तो इन जीवों के साथ हमारा संपर्क कम होता। ऐसे में कई नए विषाणुओं के इंसानों में स्पिलओवर का खतरा भी कम होता। मगर बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन के चलते वाइल्ड लाइफ के साथ हमारे एनकाउंटर की आशंकाएं बढ़ गई हैं। कभी मांस तो कभी त्वचा, सींग या किसी और वजह से वन्य जीवों का शिकार, उनकी खरीद फरोख्त बढ़ गई है। ये सारे रास्ते नई बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। अब एक बार फिर लौटते हैं चीन के जिक्र पर। 15 फरवरी को खबर आई कि वुहान से लौटी WHO टीम ने अभी हार नहीं मानी है। चीन से लौटने के बाद उसके सदस्य ज्यादा मुखरता दिखा रहे हैं। चीन पर रॉ डेटा देने का दबाव बना रहे हैं। टीम के कई वैज्ञानिकों की राय है कि कोरोना दिसंबर 2019 में नहीं शुरू हुआ था, शायद इस महामारी की शुरुआत कुछ महीने पहले ही हो गई थी। WHO टीम के मुखिया पीटर बेन एम्बारिक ने इस बारे में CNN से बात की। उनका कहना है कि टीम को कई ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे लगता है कि कोरोना से जुड़े हमारे अब तक के कई अनुमान गलत हैं। मसलन दिसंबर 2019 तक ये महामारी वुहान में काफ़ी व्यापक हो चुकी थी। इस वक्त तक तो वायरस के करीब 13 स्ट्रेन्स सामने आ चुके थे। मतलब वायरस 13 बार सक्सेसफुली म्यूटेशन कर चुका था। इस कथन का भावार्थ है कि 15 दिसंबर 2019 के बाद कोरोना के सामने आने का चाइनीज़ दावा गलत है। इस नए खुलासे को और अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि चीन वुहान के नागरिकों का ब्लड सैंपल दे। मगर चीन फिलहाल तो इसके लिए राजी नहीं हो रहा है। उसे डर है कि सही जानकारियां उसकी चुगली कर देंगी। साबित हो जाएगा कि उसने लापरवाही दिखाई, समय रहते एक्शन नहीं लिया। मगर क्या डेटा की जरूरत ब्लेम गेम के लिए है? क्या केवल चीन को घेरने के लिए डेटा चाहिए? नहीं, डेटा चाहिए अगली महामारी की आशंका से लड़ने के लिए, बेहतर प्लानिंग, बेहतर तैयारी और बेहतर मेडिकल रिसर्च के लिए। ये डेटा पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। चीन भले ही अपनी सीमाओं पर आयरन कर्टन लगाए, मगर है तो वो भी इसी दुनिया का हिस्सा। कोरोना जैसी महामारियां बॉर्डर देखकर नहीं रुकती, उन्हें किसी वीज़ा, पासपोर्ट या परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये था दुनियादारी में हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां देख लेते हैं। पहली सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। यहाँ प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने एक पूर्व सरकारी कर्मचारी से माफी मांगी। इस महिला का नाम है ब्रिटनी हिगिंस। ब्रिटनी ने 15 फरवरी को एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि मार्च 2019 में एक शाम उनके एक कलीग ने उनका रेप किया, वो भी पार्लियामेंट के भीतर स्थित रक्षा मंत्री के दफ्तर के अंदर। मॉरिसन ने इसे बतौर प्रधानमंत्री इस घटना पर माफी मांगी है, जांच कराने का वादा भी किया है। मॉरिसन ने यह भी कहा कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हर कामकाजी महिला को वर्कप्लेस में सुरक्षित माहौल मिले। दूसरी सुर्खी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से है। यहाँ 15 फरवरी की रात कांगो रिवर में एक नाव पलट गई। इस नाव पर 700 से ज़्यादा लोग सवार थे। इनमें से 60 के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। करीब 300 यात्रियों को ही अब तक बचाया गया है। करीब 350 लोग अब भी लापता हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नाव राजधानी किन्शासा से मम्बंडा का शहर जा रही थी। कांगो में बड़े नाव हादसे होते रहते हैं। आवागमन के लिए यहाँ कुछ ही पक्की सड़कें हैं। ऐसे में ज़्यादातर लोग नावों के सहारे यात्रा करते हैं। ये नावें ओवरक्राउडेड रहती हैं और इसी वजह से ये हादसे होते हैं। तीसरी सुर्खी सूडान से है। यहाँ खाद्य पदार्थों की महंगाई के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इनके चलते अब देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। सारे स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद हैं। इसके बावजूद गुस्साई भीड़ ने कई शहरों में इमारतों को फूंक दिया, दुकानों पर हमला करके खाने पीने की चीज़ें लूट ली। सरकार का कहना है कि इस अराजकता के पीछे पूर्व राष्ट्रपति ओमर अल बशीर का हाथ है, मगर जानकारों के मुताबिक प्रोटेस्ट का कारण है बेकाबू महंगाई। दिसंबर 2020 में यहाँ सालाना महंगाई दर में 270% का इजाफा नोट किया गया। लोगों के पास ब्रेड खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उनका कहना है कि सरकार खाने की चीज़ों पर सब्सिडी बढ़ाए ताकि वो कम से कम पेट तो भर सके। आज की दुनियादारी में इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़ कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की ज़मीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के ज़रिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।